तो मैं आपको जो तीन कहने तक मैं आपको चार मीनार के पास लेकर जाऊंगा, एक दो और ये तीन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं मोहसिन फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसी सिटी में हूं, एक ऐसी स्टेट में हूं जिसको पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। जी हां दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आज मैं हूं तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में। जी हाँ दोस्तों, और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो फेमस है जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी है, और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा जो जानी जाने वाली चीज़ है वो है चार मीनार। तो आज की इस वीडियो में मैं चार मीनार का सफ़र करवाने वाला हूँ, क्योंकि चार मीनार एक ऐसी चीज़ है मेरा बचपन से जो है ड्रीम रहा है चार मीनार देखने का, कि किस तरह का दिखता है। फोटोज वीडियोज में तो देखा है, साउथ की पिक्चर वगैरह में देखा है। तो आज मैं आपको जो है चार मीनार बताऊँगा, तो मैं आपको जो है तीन कहने तक मैं आपको चार मीनार के पास लेकर जाऊँगा, एक दो और ये तीन। और दोस्तों इसकी जो खूबसूरती है ना, जितना टीवी में या फोटोज में देखते हो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको खूबसूरती इसके अंदर दिखेगी। काफ़ी इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से बनाया गया है इसका आर्किटेक्चर वगैरह, आप जब रियल में इसको यहाँ पर आकर देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा। अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं पर हूँ और सुबह सुबह का मौसम है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, जब 5-6 बजते हैं तब ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है चार मीनार, कितना खूबसूरत लगता है देख सकते हो दोस्तों। और सामने ही आपको इसके सामने कई सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और साथ में आपको वहाँ पर देख सकते हो वो जो है मक्का मस्जिद कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, वो भी मस्जिद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख सकते हो, एंट्री टिकट चार मीनार, और इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 से 5:30 बजे तक का है। इंडियन को 25 रुपये है और जो विदेशी है उनको 300 रुपये टिकट है। और मैं तो सुबह सुबह देख सकता हूँ, 7 बजे आया था तो मुझे ऊपर जाने के लिए नहीं मिला। ये देख सकते हो, आप ऊपर भी जा सकते हो, वहाँ से भी आप पूरा नज़ारा देख सकते हो, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। देखेंगे अगर फिर कभी अगर मुझे मौका मिलेगा आने का चार मीनार, तो मैं ज़रूर आपको ऊपर से भी बताऊँगा। लेकिन आप यहाँ पर आओ तो आप जो 9 बजे के बाद ही आना, ताकि आपको ऊपर से पूरा देखने के लिए मिले। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ जो मक्का मस्जिद है वहाँ पर, और मक्का मस्जिद भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पर वज़ू खाना है, कबूतर से है, और काफ़ी जो लोग आते हैं। अभी फ़िलहाल तो इतनी गर्दी नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और ये मस्जिद आपको दिखने में बड़े वीडियोज़ में छोटी दिखती हो, लेकिन बहुत ही बड़ी है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, मस्जिद को देखने के बाद में एक दिल में से सुकून मिलता है, बस बहुत ही ज़्यादा प्यारी मस्जिद है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है, और वो लोग खुश नसीब होंगे जो इस मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ते होंगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है। हमने देखी है छोटी मस्जिदें रहती है, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ और ज़्यादा बड़ी मस्जिदें तो देखी नहीं है। और ये जो मस्जिद है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। चार मीनार भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैंने वीडियोज़ में देखा था, और जब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो है मक्का मस्जिद भी देखूं। यहाँ पर आपको वज़ू खाना मिलेगा, बड़ा हौज मिलेगा, उसके अंदर कबूतर्स हैं, लोग उसको दाना डाल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हो ये रही हमारी मक्का मस्जिद, अंदर तो एंट्री नहीं है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सामने आपको जो है इस तरह का एक वज़ू खाना मिलेगा, देख सकते हो इसके अंदर भी कबूतर्स हैं। और पानी का टेंशन मत लीजिए, पानी हमेशा इसके अंदर साफ ही रहता है क्योंकि इसके अंदर नमाज होती रहती है। यहाँ पर ये देख सकते हो ये मस्जिद है, आपको यहाँ पर वज़ू खाना मिलेगा, और वहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो ये कबूतर से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लोग उनको दाना वगैरह डाल रहे हैं। ये देखिए क्या ही नज़ारा है, एकदम ज़बरदस्त खूबसूरत। ये देखिए 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 कितने ज़्यादा कबूतर से,
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और छोटा सा वीडियो था चार मीनार का और मक्का मस्जिद का, काफ़ी खूबसूरत है दोनों भी। आप यहाँ पर लाइफ में आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आना, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। और 9 बजे के बाद आना ताकि आपको जो है चार मीनार के ऊपर भी एंट्री मिल सके और ऊपर से देखने के बाद आपको जो है कुछ अलग ही नज़ारा जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा चार मीनार का और मक्का मस्जिद का। तो छोटे से वीडियो के लिए लाइक करना, शेयर करना और नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।